रेशियो के कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम है, ठीक है? तो उन मिसलेनियस प्रॉब्लम को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो सब कभी कभी आते हैं तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं, ठीक है? तो वो क्वेश्चन मिसलेनियस के तहत कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों की बारी आएगी। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे थे। तो लड़की ने पेंसिल को दो भागों में तोड़ दिया। दो भागों में तोड़ दिया। तो लड़के ने यह देखा कि दोनों टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरे पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। तो लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था? तो लड़की ने पेंसिल को किस अनुपात में तोड़ा था? किस अनुपात में तोड़ा था? एक बार क्वेश्चन को फिर से मिला लीजिए, देख लीजिए आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। एक लड़का और लड़की पेंसिल से खेल रहे थे, लड़की ने पेंसिल को दो भागों में तोड़ दिया, और लड़के ने यह देखा कि इन दोनों टुकड़ों का अनुपात वही है जो अनुपात पूरे पेंसिल का बड़े टुकड़े के साथ है। तो लड़की ने पेंसिल को किस बात में तोड़ा था? मैं एक बार समझा दूं क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मैं समझा देता हूं। बोर्ड की तरफ आइए। कहता है ये एक पेंसिल है, मान लो, ठीक है, ये एक पेंसिल है, मान लो ये एक पेंसिल है, कैमल का है या किसी का है नहीं जानते हम, है ना, ऐसे एक पेंसिल। तो दो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो लड़की ने क्या करा, पेंसिल को तोड़ दिया। तो पेंसिल को उसने ऐसे तोड़ दिया, मान लो ये पेंसिल है, तो उसने ऐसे तोड़ दिया, एक भाग ये हो गया, ये छोटा वाला भाग है, बड़ा वाला भाग है, और एक भाग ये वाला है, दो भागों में तोड़ दिया। तो लड़के ने ये देखा
कि इन दोनों का जो रेशियो है ना, इन दोनों का जो रेशियो है वो वही रेशियो है जो इस दोनों का है, ठीक है। जो बड़े पेंसिल का, जो पूरी पेंसिल है, उसका अनुपात इसके साथ है, वही इन दोनों का अनुपात है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि आखिर आपको ये बताना है कि साहब किस रेशियो लड़की ने पेंसिल को तोड़ा है। समझ पा रहे हैं ना बात को? अब आप कहेंगे कि यार ऑप्शन से तोड़ दिया जाएगा, ऑप्शन से क्वेश्चन टूट जाएगा, तो इसके आंसर सर रूट में है ना, मतलब ऑप्शन की भी प्रक्रिया हमें लगती हुई नजर नहीं आ रही। अब आप एक बात देखो कि अगर हम ऐसे सोचे, ये इन दोनों का रेशियो है और ये इन दोनों का रेशियो है, एक बार ध्यान से बात को समझ लो, एक बार ध्यान से बात को समझ लो। यहां से हम कुछ इक्वेशंस तो बना सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक्स है और ये वाई है। अभी लिखो नहीं, अभी लिखो नहीं, तो हम ये कहेंगे कि साहब इक्वेशन तो हमारा एक ही बनेगा ना, इक्वेशन तो किसी भी सूरत में एक बनेगा। काहे कि देखो एक्स और वाई का जो रेशियो है, एक्स और वाई का जो रेशियो है वही एक्स प्लस वाई बटा, जोड़ के दोनों पेंसिल, ये बड़ा टुकड़ा है ना, ये बड़ा टुकड़ा है और ये आपने छोटा टुकड़ा माना है एक्स और वाई में, तो पेंसिल कितनी होगी, एक्स प्लस वाई होगी, मतलब पूरा ये होगा और बड़ा टुकड़ा क्या है, एक्स है। तो इस हिसाब से अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इक्वेशन अगर एक है और इसमें वेरिएबल दो हैं एक्स और वाई, तो इसकी वैल्यू निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। अगर इक्वेशन एक होगा, कोई कहेगा कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, आप कैसे बता सकते हैं एक्स वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे भाई एक्स की वैल्यू फाइव मान लो और इसकी वैल्यू माइनस वन मान लो, तो मैं इसकी वैल्यू दस मान लूं और इसकी वैल्यू फाइव भी मान सकता हूं। समझ पा रहे ना? इसकी वैल्यू मैं सौ भी मान सकता हूं, इसकी वैल्यू मैं -95 मान सकता हूं। तो अगर एक इक्वेशन होगा तो दो वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकलेगी, नहीं निकलेगी, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इस तरीके से इक्वेशन पे नहीं जाना पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि एक को एक्स मान लो और दूसरे को वन मान लो, तो हम ये कहते हैं कि बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े का वही रेशियो है जो पूरी पेंसिल का एक्स प्लस वन और बड़े टुकड़े का है, तो इसमें वेरिएबल एक इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब हम पहले ये बात जानेंगे कि यदि इक्वेशन इक्वेशन एक बनेगा तो हम दोनों टुकड़ों को एक्स और वन मान सकते हैं, वन मान सकते हैं, हम एक्स और वाई नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अगर इक्वेशन एक होगा तो इक्वेशन एक होगा तो वेरिएबल एक होगा तो वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन अगर इक्वेशन अलग अलग होंगे तो वैल्यू नहीं निकल पाएगी। अब आप देखो इसको क्रॉस करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कितना, जीरो। समझ पा रहे हैं? इनको इस अनुपात में माना है। अब आप एक बात बताओ कि अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, आप फ्रैक्शन करोगे तो फ्रैक्शन नहीं टूटेगा, है ना, फ्रैक्शन करेंगे तो फ्रैक्शन नहीं टूटेगा। जैसे बहुत से ऐसे इक्वेशन होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री,
इज इक्वल टू जीरो, अब कैसे करोगे, या यहां पे सेवन कर देगा, माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, कैसे आप करेंगे, नहीं करेंगे। तो इस तरह के लिए बनाई गई है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू। अभी लिखो नहीं, बात को समझो। जहां अब देखो इस पे रखते हैं ना, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस वन हो गई। आप देखो a की वैल्यू इसमें क्या हो गई, वन हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन हो गई, लिख नहीं ना अभी, और c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन हो गई। ठीक है, तो आप जब इसमें इसको रखेंगे तो आप खुद ही देखो कि b माइनस वन है तो माइनस माइनस वन। ठीक है, माइनस तो रख नहीं सकते, कहे कि ये प्लस में आ जाएगा, है ना, इसकी जो वैल्यू होगी वो वन से ज्यादा होगी, तो हम प्लस ही रख लेते हैं। ठीक है, रूट के अंदर बी स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर कितना, वन, माइनस फोर इंटू ए हो गया वन, और सी कितना होएगा इसमें, माइनस वन होगा, डिवाइडेड बाई ये टू ए है, सॉरी टू इंटू वन। अब आप इसको करोगे तो वन प्लस, ये देखो ये वन प्लस फोर फाइव हो गया, तो रूट के अंदर फाइव डिवाइडेड बाई टू, मतलब एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब आप खुद ही सोचो कि जब आपने इसकी वैल्यूज एक्स इज टू वन रखी है, एक्स इज टू वन रखी है, तो आप इसको कह सकते कि नहीं, ये देखो एक्स की वैल्यू है, ध्यान दो, एक्स की वैल्यू है रूट ओवर फाइव प्लस वन बाई टू इज टू वन। रेशियो क्या बनेगा, टू टू से गुना करना पड़ेगा, इसमें टू से इधर भी, टू से इधर भी, ये कैंसिल आउट, मतलब रूट ओवर फाइव प्लस वन इज टू टू, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे, इसमें क्या ध्यान देना है, पहले ध्यान से समझो, दो टुकड़ों में टूटा हुआ है तो हम वेरिएबल एक मानेंगे, यहां पर नोट करके मैंने लिख दिया कि आप उसको नोट कर सकें। ठीक है, x is to 1, इन दोनों का रेशियो वही है जो पूरे पेंसिल का बड़े टुकड़े से, तो x और 1 का जो रेशियो है वही पूरे पेंसिल बोले तो x प्लस 1 और बड़े टुकड़े का बोले तो x, इसका रेशियो है। यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाते हैं, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं टूट रहा तो उसमें x की वैल्यू निकालने के लिए, रूट्स की वैल्यू निकालने के लिए जो नहीं टूट रहे हैं, तो उनके लिए एक ये फॉर्मूला होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू। ए बी सी क्या है इस इक्वेशन में अगर लोगे तो a इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस वन और c इज इक्वल टू माइनस वन। ये देखो a इज इक्वल टू वन, b माइनस वन होएगा और c इज इक्वल टू माइनस वन। अगर इस पे रखोगे तो मैंने यहां यहां रख दिया आपको, तो 1 प्लस रूट ओवर 5 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तो x इज टू 1 के रेशियो में लड़की ने तोड़ा है तो रूट ओवर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये 1, दो से इधर भी गुना किया, दो से उधर भी गुना किया, रेशियो फाइंड आउट हो गया। समझ पा रहे हैं बात को, लिख लो एक बार लिख लीजिए इसको। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो रेशियो में हमें मिल जाते हैं और हमें परेशान कर देते हैं, है ना, उन क्वेश्चनों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
मिटा दो इसे। मिटा दो। क्वेश्चन लिखिए, दो तत्व P और Q, दो तत्व P और Q, P और Q को, दो तत्व P और Q को, P और Q को उनके आयतन के आधार पे, दो तत्व P और Q को उनके आयतन के आधार पे 5:8, 5:8 के, 5:8 के अनुपात में, 5:8 के अनुपात में अथवा उनके भार के आधार पर, उनके भार के आधार पर भार के आधार पर चार अनुपात पांच के अनुपात में, 4:5 के, 4:5 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। 4:5 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो समान आयतन रखने वाले, तो समान आयतन रखने वाले, आयतन रखने वाले पी तथा क्यू, पी तथा क्यू, पी तथा क्यू के भारों का अनुपात कितना होगा? पी तथा क्यू के भारों अनुपात कितने होंगे, भारों के अनुपात कितने होंगे? क्वेश्चन को एक बार मिला लीजिए। दो तत्व P तथा Q को उनके आयतन के आधार पे 5:8 के अनुपात में तथा उनके भार के आधार पे 4:5 के अनुपात में, 4:5 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। तो समान आयतन रखने वाले P तथा Q के भारों का अनुपात क्या होगा? मैं समझा दूं आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये देखो, दो गो लिक्विड है, एक वो है पी, जिसका वॉल्यूम का जब रेशियो लिया आपने, आयतन, वॉल्यूम, आयतन, तो वो 5:8 था, मतलब ये 5 लीटर का था तो ये 8 लीटर का था। यही है ना कि ये 5:8 में मिलाया आपने, तो आयतन का मतलब यही हो गया ना कि ये 5 लीटर का था बर्तन, तो ये 8 लीटर का था। और जब वेट का दिया, भार का है ना, वेट का जो भार है इनके, तो इनको 4:5 में मिलाया गया। इसका मतलब ये है कि ये 5 लीटर का जो कंटेनर है इसमें 4 kg माल अटता है भार के आधार पे, और ये 8 लीटर का जो कंटेनर है इसमें 5 kg माल अटता है। ठीक है, जैसे मान लो कि बहुत सी चीज हल्की होती है, पानी है हल्का है, और पारा है मरकरी जो थर्मामीटर में यूज होता है वो भारी है, अगर लोहा है लिक्विड के रूप में तो वो भी काफी भारी है,
माने चीजें हो सकती हैं, चीजें भारी हो सकती हैं। तो कहता है कि वॉल्यूम के रेशियो में जब मिलाया तो ये 5:8 था, मतलब इसका 5 लीटर का बर्तन और इसका 8 लीटर का बर्तन था वॉल्यूम के हिसाब से, लेकिन जब वेट के हिसाब से देखा इसको तो ये 5 लीटर का जो बर्तन था वो 4 किलो का था और इसका 8 लीटर का बर्तन था उसमें माल सिर्फ था 5 किलो। समझ पा रहे ना? अब कह रहा कि अगर दोनों समान आयतन लिया जाए, मतलब ये 10 लीटर का हो तो ये भी 10 लीटर का हो, ये 20 का हो तो ये भी 20 का हो, अगर समान वॉल्यूम कर दिया जाए तो वजन का अनुपात कितना होगा। तो आपको ये 5 और 8 से कटने वाली डिजिट मानना होगा, तो 5 और 8 से कटने वाली कौन होगी? 40 होगी। तो एक काम करते हैं, इसको भी 40 लीटर का बनाते हैं। तो जब 5 लीटर का है तो 4 किलो का है, तो 8 गुना बढ़ाओगे तो वजन कितना बढ़ेगा? 8 गुना बढ़ेगा। और इसको भी 40 बनाते हैं तो 8 × 5 = 40, ये 40 लीटर का बर्तन होगा, तो इधर 8 लीटर का है तो 5 है, तो 5 गुना बढ़ाओगे तो ये कितना वजन आएगा? 25 आएगा। इसका मतलब है कि समान आयतन अगर रख दिया जाए तो इसका वजन 32 किलो होगा, 8 × 4 = 32, तो इसका वजन कितना होगा? 25 किलो। आंसर फेंक देगा कि नहीं? कि साहब इसका मतलब यही होना चाहिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आ रही मेरी बात समझ में? यस और नो? आ रही ना? आगे चलो। मिटा दो इसको, मिटा दो। देखो समानुपाती शब्दों का मतलब रेशियो के अंदर क्या है, है ना? रेशियो के अंदर समानुपाती शब्दों का मतलब क्या है, इस पे बात हो रही है। क्वेश्चन लिखिए, ए बी के वर्गमूल का समानुपाती है, ए बी के वर्गमूल का समानुपाती है, वर्गमूल का समानुपाती है, वर्गमूल का समानुपाती है यदि ए बराबर 4 है, यदि ए बराबर 4 है तो b बराबर भी 4 है, यदि a बराबर 4 है तो b बराबर भी 4 है, a is equal to 4, b is equal to 4, तो a बराबर 12 है, तो a बराबर 12 है तो ए बराबर 12 है तो बी बराबर क्या है? मैं बता दूं आपको एक बार, इधर आइए। क्वेश्चन के पहले लाइन में कहा है कि ए जो है वो बी के वर्गमूल का समानुपाती है, पहला नंबर बोल कहता है ए बराबर अगर 4 है तो बी बराबर भी 4 है, लेकिन कहता है कि ए बराबर अगर 12 है, ठीक है, तो बताओ b बराबर कितना है। अच्छा एक बात पहले आप जानिए कि अगर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b तो इसका मतलब a इज इक्वल टू b नहीं होता ना,
ए इज इक्वल टू अगर बी ही होता ही है कि ए इज ए बी का समानुपाती है तो ए बराबर बी होता तो इसको बराबर ही क्यों नहीं बोलता, समानुपाती क्यों बोलता। इसको हमने दसवीं में पढ़ा है, नौवीं में पढ़ा है कि एक कांस्टेंट राशि आती है समानुपाती को तोड़ने के लिए, ठीक है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो ए इज इक्वल टू बी नहीं कह सकते, ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टू बी। समझ पा रहे बात को? अब आप देखिए कि अगर ये बातें सही हैं, तो हम यहां से इस रिलेशन को ये लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टू रूट के अंदर बी। तो ए इज इक्वल टू फोर, तो के इज इक्वल टू रूट के अंदर फोर, ठीक है। तो ये रूट क्या है, दो है ना, तो कॉन्स्टेंट इंटू फोर बाई कितना, टू बोले तो कितना हो गया, टू हो गया। कि साहब के इज इक्वल टू हो गया कितना, टू। इस रिलेशंस को हमने चेक कर लिया कि कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो टू आ गई। अब देखो इस चीज को हम फिर यहां पे लगाते हैं, कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल ली, एक बार निकल जाएगी a इज इक्वल टू फोर, तो b इज इक्वल टू फोर, तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई। तो फिर अगर हम निकालते हैं कि a इज इक्वल टू 12, तो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपने बता दी है कितनी है, दो है, निकाला है ना आपने k इज इक्वल टू टू। तो रूट के अंदर जो b है इसको अगर आप काट लेंगे और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 कितना, 36। समझ पा रहे बात को, कि ऐसे एक रिलेशन बना देता है और कहता है कि यदि a इज इक्वल टू 4 है तो b इज इक्वल टू भी 4 है, तो कहता है a इज इक्वल टू 12 है तो बताओ b इज इक्वल टू क्या है। तो आप कितना आंसर बताएंगे, आप 36 बताएंगे कि नहीं बताएंगे, कि साहब इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू 36 बोल दो तो आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना हमारी बात को, क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, नोट कर लो एक बार। एक बार नोट कर लो, मिटा दो इसको। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है, ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है, ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती है यदि a बराबर, यदि a बराबर 3 है, a बराबर 3 है, 3 है तो b बराबर 2 है, ए बराबर 3 है तो बी बराबर 2 है, 2 है, और यदि ए बराबर 8/9 है, ए बराबर 8/9 है, 8/9 है तो, 8/9 है तो B बराबर कितना होगा। एक बार मैं फिर से बताऊं आपको, बोर्ड की तरफ आइए, क्वेश्चन में कहता है कि A जो है वो B के घन के, घन बोले तो क्यों, व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा है, यही है ना। तो A बराबर अगर 3 है तो कहता है B बराबर 2 है, फिर कहता है A बराबर अगर 8/9 है तो b बराबर आपको बताना है क्या है। अब इस चीज को अगर आप ऐसा लिखना चाहेंगे तो a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू 1/PQ, अब a इज इक्वल टू 3 है तो k इंटू 1/2 का आ गया q, तो 8 × 3 = 24 आ गया, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो 8 आ गया तो 8 × 3 = 24 आ गया ना, तो k की वैल्यू यहां से आ गई आपको कितनी, 24। अब आप फिर से रखिए इसको,
ए बराबर 8/9, यहां पे रख दिया ए बराबर, देखो ए बराबर ये दिया हुआ 8/9, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 24 है, इंटू 1/BQ, 8 × 3 = BQ, 8 × 3 = 24, तो ये 3 इधर जाएगा, मतलब दोनों नीचे आ गए, 9 × 3 = कितना 27, तो BQ बराबर हो गया कितना 27, तो B बराबर कितना हो गया √27 हो गया कि नहीं, √27 बोले तो 3 × 3 × 3, तो B बराबर कितना आंसर दे दिया 3 दे दिया। समझ पा रहे बात को, आ रही मारी बात समझ में, कि अगर प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो क्वेश्चन इस तरीके से बोले जाएंगे, है ना। इसमें बच्चे को देखा जाता है कि वो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल, अगर आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पा रहे तो आप आंसर को बना पा रहे। समझ पा रहे बात को, मिटा दो इसको, मिटा दो। अब देखो कहां पे हम कांस्टेंट की बिना वैल्यू निकाले ही काम कर सकते हैं, कहां पे ऐसा हो सकता है, है ना। क्वेश्चन लिखिए, हीरे का मूल्य इसके वजन के वर्ग का समानुपाती है, हीरे का मूल्य इसके वर्ग के हीरे का मूल्य इसके भार के वर्ग का समानुपाती है, हीरे का मूल्य इसके भार के वर्ग का समानुपाती है, समानुपाती है। एक आदमी ने हीरे को 3:2:1 में तोड़ दिया, 3:2:1 में तोड़ दिया तो उसे 4,620 रुपए की हानि हुई, 4,620 रुपए की हानि हुई, तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य क्या है, हीरे का प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य क्या है। क्वेश्चन कहता है कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का समानुपाती है, ठीक है। एक आदमी ने हीरा तोड़ दिया 3:2:1 में, तो उसे 4,620 रुपए की हानि हुई। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको यह बताना है कि हीरे का जो वास्तविक मूल्य है वो क्या है। एक बार मैं समझाऊं आपको, इधर आइए देखो है? कि साहब उस बंदे ने तोड़ दिया कितना 3:2:1 में, इसका मतलब ये रेशियो है, तो रेशियो है तो ये एक्स आएगा, ये भी एक्स आएगा, ये भी एक्स आएगा, मतलब मोटा मोटी आप 3:5:6, मतलब नहीं टूटा होगा तो इतने का होगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि इसके भार के वर्ग का समानुपाती 9, मतलब k × 9x²
देंगे ना, समानुपाती है, कांस्टेंट आ गया। यहां भी आप ये बोलेंगे कांस्टेंट इनटू 4x² आ गया, यहां भी आप बोलेंगे कि कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर आ गया, और यहां भी इसका स्क्वायर करेंगे तो कांस्टेंट इनटू 36x² आ गया। अब आप देखो कि इन सब में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कैंसिल भी किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। अब देखो टूटे हुए हीरे का मूल्य इतना है, 9 + 4 = 13, अब +1 सबको जोड़ो तो 9 + 4 = 13 = 14, 14x² के बराबर है। 9 + 4 = 13 कितना? 14। और इसकी वैल्यू कितनी है ना टूटे हुए की? 36x² के बराबर। तो आप ये देख लो कि कितना यूनिट का नुकसान हुआ है, 22x² का हुआ कि नहीं, और यही बता रहा ना 4620 रुपए का नुकसान हुआ। तो हम जो बना रहे हैं उसमें तो 22x² का नुकसान हो रहा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 4620 रुपए का नुकसान हो रहा, तो 22 से इसको काट दीजिए, 22 × 2 = 44, 22 से कम 22, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 210 आ गई। तो अब एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, क्या है कि हीरे का प्रारंभिक मूल्य भी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ही है ना। तो 36 × x² की वैल्यू 210 बोले तो 0 × 36 = 36, 6 × 3 = 3, 36 × 72 = 375 बोले तो हम कह सकते हैं कि 7560 रुपए निश्चित रूप से इसकी कीमत होएगी, है ना, कि 7560 रुपए इसकी कीमत होएगी, तभी जाके ऐसी सिचुएशन आई होगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आगे बात, मतलब इसमें कांस्टेंट की वैल्यूज नहीं, क्योंकि कांस्टेंट आ रहा तो सारे कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। समझ पा रहे बात को? नोट करो एक बार। मिटा दो इसको। मिटा दो। एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखिए। यदि एक हीरा 5:4:3 में टूट गया, यदि एक हीरा 5:4:3 में टूट गया, 5:4:3 में टूट गया, 5:4:3 में टूट गया, यदि वो हीरा, यदि वो हीरा, यदि वो हीरा बराबर बराबर टूटा होता, बराबर बराबर टूटा होता, तो उसके मूल्य में, तो उसके मूल्य में, मूल्य में 1800 रुपए की कमी आ जाती, 1800 रुपए की कमी आ जाती, कमी आ जाती, कमी आ जाती, तो जब हीरा नहीं टूटा था, तो जब हीरा नहीं टूटा था, नहीं टूटा था, हीरा नहीं टूटा था, तो उसकी कीमत क्या होगी? हीरा नहीं टूटा था, नहीं टूटा था, तो उसकी कीमत क्या होगी, क्या होगी? एक बार मैं समझाऊं आपको, बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ आ जा प्लीज। 5:4:3 में हीरा टूट गया, ठीक है,
तो इसका मतलब ये 5x 4x 3x है, रेशियो है ना। तो आप बताओ कि ये हीरा होगा कितना, 5, 4, 9 और 3 कितना, 12। अगर ये बराबर बराबर टूटा होता तीन टुकड़ों में, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये आएगा 4x 4x 4x। ठीक है, अब ये देखो इस रेशियो में हीरा टूटा है, k की वैल्यू नहीं होगी इसमें, k कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया कितना, 25x स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16x स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9x स्क्वायर। मतलब ये जो है वो इस टूटे हुए हीरे की कीमत है। और अगर ये बराबर बराबर टूटा होता तो 4 चौका 16x स्क्वायर फिर से हो गया 16x स्क्वायर। मतलब आप कह सकते हैं इसको कि साहब ये जो है वो 16 या 48x स्क्वायर के बराबर हो गया। मतलब पहले 25, 16, 41, 9, 50x स्क्वायर है, अब ये कितना है, 48x स्क्वायर के बराबर है। तो बता कि ये टूटा कितना नुकसान हुआ इसमें, 50x स्क्वायर का ये इस हिसाब से टूटा था, तो था बराबर बराबर टूटा होता तो 48x स्क्वायर के बराबर होता, मतलब कि 2x स्क्वायर बराबर हो गया 1800। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 के बराबर। अब देख जब वो हीरा नहीं टूटा होगा तो 12 12 144x स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 900 है, तो 144 × 900 बोले तो 129,600 रुपए हीरे की कीमत होगी, तभी जाके ऐसी सिचुएशन आई होगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं, आ रही बारी बात समझ में, कि हीरे वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू नहीं होगी। नोट कीजिए इसको, मिटा दो इसे। मिटा दो। क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए। एक टैक्सी का किराया, एक टैक्सी का किराया अंशतः निश्चित, बोर्ड की तरफ देख लो, अंशतः निश्चित, अंशता निश्चित और अंशता चली गई दूरी के हिसाब से बदलता है, और अंशता चली गई दूरी के हिसाब से बदलता है, अंशता निश्चित और अंशता चली गई दूरी के हिसाब से बदलता है, दूरी के हिसाब से बदलता है। बदलता है यदि 15 किलोमीटर का किराया 200 रुपए है, 15 किलोमीटर का किराया
₹200 है, और 25 किलोमीटर का किराया, और 25 किलोमीटर का किराया 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 ₹300 है, 300 किलोमीटर है, तो प्रति किलोमीटर किराया क्या होगा? तो प्रति किलोमीटर किराया क्या होगा? क्वेश्चन में कहता है कि कोई टैक्सी है जिसने अपना एक रेट फिक्स किया हुआ है कि भाई एक किराया फिक्स है कि आप टैक्सी पे चढ़ेंगे आपको इतना किराया देना होगा, है ना, या इतने किलोमीटर के अंदर में आप जाएंगे तो आपको किराया देना होगा, इसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको पर किलोमीटर किराया देना होगा। तो पूछा हुआ है कि पर किलोमीटर किराया कितना है, तो आप खुद ही एक बात अपने मन से सोचो कि 15 किलोमीटर का किराया है कितना, ₹200, ठीक है, 15 किलोमीटर का किराया, और 25 किलोमीटर का किराया कितने है, ₹300, 25 किलोमीटर का किराया है ₹300, तो आप यहां से देखो कि ये 10 किलोमीटर बढ़ रहा और किराया कितना बढ़ रहा, ₹100 बढ़ रहा ना, तो इसका मतलब है कि इसमें 10 किलोमीटर का किराया ₹100 उसने ऐड किया, तो 10 किलोमीटर का किराया कितना है, ₹100, तो 1 किलोमीटर का किराया कितना हो गया, ₹10 हो गया। अब बच्चा कहता है कि सर ये बताओ कि अगर 1 किलोमीटर का किराया आप कह रहे हैं कि ₹10 है, तो 15 किलोमीटर का तो 150 ही होना चाहिए ना। सर हो सकता है कि ₹50 फिक्स किए गए हैं कि भाई टैक्सी पे आप बैठेंगे तो 50 के बाद से ही किराया शुरू होगा, नहीं तो आप 1 किलोमीटर जाके कहेंगे ये ले ₹10, नहीं होगा ना। तो ₹50 तो फिक्स है कि ₹50 तो मैं उसका रेंटल लूंगा ही लूंगा, उसके बाद अगर आप पर किलोमीटर चलते हैं तो आपको ₹10 किराया देना होगा। तो हम आंसर कितना बता सकते हैं, ₹10 पर किलोमीटर। समझ पा रहे हैं बात को कि हम आंसर्स बता सकते हैं कि साहब इसका मतलब है कि हम ₹10 पर किलोमीटर के हिसाब से किराया दे रहे हैं तभी जाके ऐसी सिचुएशन ग्रांट हो रही है, सही है ना, सही। चलो आगे, चलो आगे। क्वेश्चन लिखिए, यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में, यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में 15:11 के रूप में, 15:11 के रूप में, 15:11 के रूप में कटौती की गई, 15:11 के रूप में कटौती की गई और उनकी मजदूरी 22:25 में, और उनकी मजदूरी 22:25 में, 22:25 में, 25 में, 22:25 में बढ़ाई जाती है,
पढ़ाई जाती है तो कंपनी के खर्चे में किस अनुपात में बदलाव होगा? कंपनी के खर्चे में किस अनुपात में बदलाव होगा? कंपनी के खर्चे में किस अनुपात में बदलाव होगा? खर्चे में किस अनुपात में बदलाव होगा? किस अनुपात में बदलाव होगा? किस अनुपात में बदलाव होगा? मैं बता दूं आप, देखो मजदूरों की जो संख्या है, मजदूर जो हैं, उनकी किस रेशो में घटाई गई है, कटौती की गई? 15:11 में। मतलब पहले अगर उस कंपनी में 15 मजदूर थे तो अब हो गए कितने? 11। और जो मजदूरी है ना, जो मजदूरी है उसमें किस रेशियो में बदलाव किया गया है? तो उसमें किया गया है 22:25 में बढ़ाया गया है। तो ये 22 हो गया और ये हो गया 25। सही जा रहे हैं ना हम लोग? तो इसको गुना करो, 15 × 30, 15 × 30 = 33, इसको करो 250, 275 आएगा ना, 11 से गुना कर दिया। अब आप देखो कि 5 से आप काटोगे तो 5 × 30, 5 × 30 66 हो गया। इसको काट से काटोगे तो 5 × 25, फिर 5 × 25, फिर इसको काटोगे तो ये 6 और ये 5। मतलब आप कह सकते हैं कि कंपनी के खर्चे में 6 रुपए पहले होंगे तो अब 5 रुपए हो जाएंगे। अब अपने मन से सोचो, एक मिनट रुक जाओ, 15 को मजदूर था, अब 22 रुपए अगर मजदूरी थी तो टोटल 15 × 22 कितना? 330 रुपए पहले कंपनी का खर्चा था। अब 11 को मजदूर है, क्योंकि कटौती हो गई है, 11 मजदूर है लेकिन इन मजदूरी 25 रुपए है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 275 है। तो इस रेशियो में कंपनी का खर्चा कम हुआ होगा, तो इसका मतलब है आप रेशियो को बना देंगे और आंसर्स बता देंगे। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए। एक शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, और जब तक खरगोश 7 छलांगे लेता है, जब तक खरगोश 7 छलांगे लेता है, 7 छलांगे लेता है, तब तक कुत्ता 6 छलांगे लेता है, तब तक कुत्ता 6 छलांगे लेता है, तब तक कुत्ता 6 छलांगे लेता है, 6 छलांगे लेता है, 6 छलांगे लेता है, लेकिन कुत्ते की 5 छलांग
खरगोश के 6 छलांगों के बराबर है, कुत्ते की 5 छलांग खरगोश के 6 छलांगों के बराबर है, 6 छलांगों के बराबर है, तो उनके चालों का अनुपात क्या होगा? तो उनके चालों का अनुपात क्या होगा? तो उनके चालों का अनुपात क्या होगा? एक बार मैं बता दूं आपको, बोर्ड के तरफ आइए प्लीज, बोर्ड के तरफ आइए। एक शिकारी कुत्ता है या कुत्ता ही बोलो उसको, कुत्ता तो कुत्ता है, शिकारी हो या घरेलू, कुत्ता तो कुत्ता ही है। और ये है खरगोश। कहता है कि जब तक ये 7 छलांग लेता है, जब तक ये 7 छलांग लेता है, तब तक ये लेता है 6 छलांग। ठीक है, तब तक ये 6 छलांग लेता है, मतलब ये टाइमिंग का रेशियो है। मोटा मोटी ये बोलो कि 1 मिनट में 6 छलांग ये हो गई तो 7 छलांग ये लेता, मतलब हो सकता है 1 मिनट में। मैंने, आप कहेंगे क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं किया सर, आप 5 मिनट मान लो कि 5 मिनट में ये 6 छलांग लेता होगा तो ये 5 मिनट में 7 लेता होगा। आपको अच्छा लगता है 1 घंटा मान लो, आपको अच्छा लगता है 1 दिन मान लो, 1 दिन में ये 6 लेता होगा तो ये 7 लेता होगा, लेकिन आपको ये बात कहनी होगी कि ये टाइमिंग का रेशियो है। कहे कि जब तक ये 6 छलांग लेता है तब तक वो 7 छलांग लेता है। समझ पा रहे बात को? अब कहता है कि लेकिन कुत्ते की 5 छलांगे जो हैं, 5 छलांगे वो इसके 6 छलांगों के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में बताया गया आपको कि लेकिन कुत्ते की जो 5 छलांग है वो इसके 6 छलांग के बराबर है। ठीक है, अब आप देखो ये 5 और ये 6, आप देखो इन दोनों से कटने वाली कोई डिजिट मान लो, है ना, इन दोनों से कटने वाली कोई डिजिट मान लो कि ये 5 है और ये है 6, तो 5 और 6 से कटने वाला 5 छक्का कितना, 30, मतलब ये 30 मीटर का एक ट्रैक हो गया। समझ पा रहे बात को? ये 30 मीटर का ट्रैक हो गया, हमने मान लिया इन दोनों से कटने वाला। अब आप अपने मन से सोचिए कि अगर ये 30 मीटर 5 छलांग में पार करता है, ये तो 5 छलांग में अगर कोई 30 मीटर पार करेगा तो 5 छक्का 30, मतलब 6 मीटर की छलांग मानेंगे आप, मानेंगे ना। ये देखो 30 मीटर को मान लो 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या मानेंगे, 6 मीटर का है। अगर ये 5 छलांग में वो 30 मीटर पार करता है तो ये कितने देर में पार करेगा, 6 में पार करेगा ना, तो 6 में पार करेगा तो इसकी छलांगें छोटी हो जाएंगी, 6 5 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 5 30, मतलब ये हो गया 5 मीटर। समझ पा रहे हैं बात को? अब देखो इसकी छलांगे 6 मीटर की है और ये 1 मिनट में, जो हमने माना हुआ था ना, 1 मिनट माना था ना हमने, तो 6 मीटर की अगर 6 छलांगे वो 1 मिनट में लेता है तो इसका मतलब 1 मिनट में वो 36 जाता होगा, और अगर वो 6 छलांगे 1 मिनट में लेता है तो ये लेता होगा कितनी, 7 लेता होगा, तो 7 × 5 बोले तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि 36:35, जितने टाइम में ये 36 जाएगा उतने टाइम में ये 35 जाएगा, मोटे तौर पे बोलो तो ये टाइमिंग के रेशियो हो गए। समझ पा रहे हैं हमारी बातों को, यस और नो, आ गई ना, क्वेश्चन लिखिए, एक बार नोट कर लो इसको।
मिटा दो। क्वेश्चन लिखिए, दो समान लंबाई की मोमबत्तियां दो समान लंबाई की मोमबत्तियां मोमबत्तियां जो 8 घंटे में जो 8 घंटे में 8 घंटे में और 6 घंटे में 8 घंटे में और 6 घंटे में 6 घंटे में 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती हैं यदि एक साथ जलाई गई हैं, तो कितने समय के बाद उन दोनों मोमबत्तियों के ऊंचाइयों का अनुपात दो अनुपात एक हो जाएगा। एक बार मैं समझाऊं आपको, बोर्ड के तरफ आइए, मैं जब बता रहा हूं तो आराम से बोर्ड के तरफ देखो। मैं अपने दूसरा क्वेश्चन दूंगा, अगर वो क्वेश्चन में दम होएगा तो मैं दूसरा दे दूंगा आपको, उसको बना के चेक करियो या घर में चेक करो, ठीक है। ये देखो, दोनों की लेंथ सेम, एक 8 घंटे में जलती है और एक मोमबत्ती जो है वो 6 घंटे में जलती है, है ना, लेकिन लंबाई सेम है। हो सकता है ये मोटी पतली हो, है ना, अगर ज्यादा टाइम लेती है तो हो सकता है ये मोमबत्ती मोटी हो, या हो सकता है किसी अच्छी ब्रांड की हो, कुछ भी हो सकता है, है ना, लेकिन लंबाई दोनों की सेम है ऐसा बताया गया। ये 8 घंटे में जलती है और ये 6 घंटे में जलती है, तो अगर लंबाई सेम है तो 8 और 6 से कटने वाली कोई डिजिट लेते, 2, 4, 3, 4, 2, 8, 3, 24, मतलब हम मान लेते हैं कि 24 सेंटीमीटर का ये है और 24 सेंटीमीटर का ये है। आप कहेंगे 24 ही क्यों मान रहे हो, क्वेश्चन में तो नहीं दिया 24, ये 24 नहीं, आप 48 भी मान लो, आप 240 मान लो, आप कुछ भी मान लो, लेकिन इन दोनों से कटने वाला मानो ताकि कैलकुलेशन आसान होगी। अब एक बात बताओ मेरे को, ये वाली जो मोमबत्ती है वो 8 तरीका 24, मतलब 3 सेंटीमीटर पर आवर जलती होगी, और ये वाली जो मोमबत्ती आपको दिख रही है वो 6 चौका 24 बोले तो 4 सेंटीमीटर पर आवर जलती होगी, सही है। अब आप बताओ कि इस मोमबत्ती के बारे में कि 1 घंटा में ये कितना बचेगी, 24 माइनस 3 सेंटीमीटर जलती है, 3 × 1, 1 घंटा हो गया, 3 सेंटीमीटर जलती है, 1 घंटे में कितना जलेगी, 3 जलेगी, तो 24 में से 3 को घटा दोगे तो 21 आ जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि 24 2 घंटा में बताओ 24 माइनस 3 × 2, ऐसा ही चलती जाएगी ना, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। 3 घंटा में कोई पूछेगा 24 माइनस 3 × 3, कोई पूछेगा 8 घंटा में कितना बचेगी, तो 24 माइनस 3 × 8,
24 माइनस 24 जीरो हो गया, मतलब खत्म हो गई 8 घंटे में। समझ पा रहे हैं ना कि 1 घंटे में 3 सेंटीमीटर जलती है, तो 3 जितना घंटा होगा उतना घंटा आप मान लेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब आप सोचो, ऐसा सोचो मन में कि अगर जो मान लो कि हम कहते हैं कितने समय बाद ऐसा समय आएगा कि ये 2:1 हो जाएगी, तो हम मान लेते हैं कि एक्स आवर के बाद वो समय आते हैं, मान सकते हैं ना। तो अब देखो एक्स आवर में कितना बचेगी हाई वाली, 24 माइनस 3 × x घंटा जो है, 3 × घंटा आप लगा रहे थे ना, तो हमने x घंटा माना। x घंटा में पहले चेक करो कितना बचेगी, ये वाली इतना बचेगी और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए 2, और वो वाली 4 सेंटीमीटर जलती है, तो 24 माइनस 4 गुना x ये कितनी 1 इज इक्वल टू, मतलब ये 2 बचना चाहिए और ये 1 बचना चाहिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये देखो 3 सेंटीमीटर जल रही है ना, ये जल रही है ना 3 सेंटीमीटर, तो 24 माइनस 3 × x, 24 माइनस 4 × x ये 2 तो ये 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 24 माइनस 3x इज इक्वल टू 48 माइनस 8x, 8x एक तरफ ले चलो तो ये जाएगा इस साइड, तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 48 माइनस 24 आएगा कि नहीं? तो x इज इक्वल टू आएगा 24/5 बोले तो 4/5 इतना घंटा आ गया ना इतना घंटा। तो देखो 4 घंटा तो पक्का है ना, लेकिन 4/5 आवर को अगर आप मिनटों में बदलेंगे तो इसको काटेंगे तो ये आएगा 4 घंटे 48 मिनट। आंसर दे दिया कि नहीं कि साहब? इसका मतलब ये है कि हम आंसर्स बता सकते हैं कि 4 घंटे 48 मिनट का आंसर आना चाहिए, तभी जाके ऐसी क्वेश्चन बनी होगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक बार नोट करो। की तो जरूरत है नहीं, नोट कर लो बढ़िया से। मिटाऊं? मिटा दो। एक क्वेश्चन आप भी चेक करो, एक क्वेश्चन आप चेक कीजिए। मान लो 2 समान लंबाई की मोमबत्तियां हैं, क्वेश्चन सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है, और इसकी भी लंबाई बिल्कुल सेम है। कहता है ये 7 घंटे में पूरी तरह से जलती है और ये 6 घंटे में पूरी तरह से जलती है। अगर दोनों को एक साथ चलाया जाता है तो ये 3:1 के रूप में ट्रांसफर हो जाती है, मतलब उसका रेशियो 3 कहता हूं चलेगा तो इसका रहता है 1। चेक करो तो बना के भैया,
मैं बता दूं आपको, आप मिलाइए अपने आंसर। सात और छह से कटने वाला कितना माना? 42। ये भी माना 42, 42 सेंटीमीटर, 42 इंच, सात छक्का 42, 6 सेंटीमीटर, ये 6 सत्ते 42, सही है। तो ये एक घंटे में 6 सेंटीमीटर, मतलब 42 माइनस 6 इंटू एक्स, एक्स आवर माना आपने, माना ना पहले, और 42 माइनस ये कितना 7, 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3/1, क्रॉस करो तो 42 माइनस 6x इज इक्वल टू 126 माइनस 21x, इसको इसको ले गए हो गए, तो 21x माइनस 6x इज इक्वल टू 126 माइनस 42, सही है। तो x इज इक्वल टू आ गया 84/50, बोले तो 28/5, 5/3/5 आवर आ गया ना, 28/5, 5 बजे 25, हाँ तो ये तो 5 घंटा पक्का हो गया, और 3/5 आवर को जब तूने बदला होगा तो ये 5 घंटे 36 मिनट तेरे आंसर्स आए होंगे। समझ पा रहे बात को? आ रही बात समझ में हमारी? नोट कर लो। क्वेश्चन लिखिए, मिटा दो इसको। अब बना चुके हैं 5 घंटा 36 मिनट, यस। चलो आगे, दो असमान संख्याओं में, दो असमान संख्याओं में प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है, तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, उनमें से बड़ी संख्या, छोटी संख्या का, पांच गुना है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का, अनुपात क्या है? एक बार मैं समझा दूं आपको, ये ऑप्शंस दिए गए आपको, 2:1, दूसरा ऑप्शन दिया है 3:2, तीसरा दिया 3:1, चौथा दिया 4:1। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उसको आप इक्वेशन से ना लेके आप ऑप्शन से चेक करें कि दो संख्याएं हैं फर्स्ट एंड सेकंड, जो छोटी संख्या है उसका आधा जब हम घटाते हैं दोनों में तो ये वाली इसकी बड़ी, मतलब बड़ी संख्या इसकी पांच गुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर वन को चेक करो, छोटी संख्या वन होगी तो वन का आधा 0.5, दो में से 0.5 घटाओगे तो 1.5 आएगा, इसमें से घटाओगे तो
पॉइंट फाइव आएगा, तीन गुनी ही आ रही है ना, आ रही है ना तीन गुनी, क्वेश्चन में तो पांच गुनी कह रहा, इसका मतलब ये आंसर कट गया। फिर इसको देखो, इसकी आधी मतलब वन घटाया कितना, दो आ गया, और इसमें से भी घटाया कितना आ गया, दो में से एक जाए तो एक ही हो गया ना, तो इसका मतलब ये दोगुनी हो गई, ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती, ठीक। अगर इसको चेक करोगे तो देखो, इसका आधा इसमें से घटाया 2.5, और इसका आधा इसमें से घटाया 0.5, ये कितनी हो गई, पांच गुनी हो गई, तो इसका मतलब है ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात को, कि ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना उनको आप ऑप्शनों से तोड़ो, कि क्वेश्चन क्या कंडीशन बना के वो फेंकेगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए क्या करेंगे हम ऑप्शनों की मदद लेके ही तोड़ देंगे, ठीक है, नोट करो। नोट कीजिए, चलो इस तरह के क्वेश्चनों को ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। अब रेशियोज खत्म हो रहे हैं ना, अब रेशियोज की बातें खत्म होगी, अब दूसरे चैप्टर की बात होगी, ठीक है।